ट्रीस में ने नापने के बाद ये मीटर लगा है ना, मीटर में दिखाई दे रहा है इतना हुआ, वो नोट करते हैं। नोट कहाँ, वही तो नोट नहीं हो रहा था। इतना है कि नाप के लिखना चीज नहीं हो रहा है ना, भूल है डीलर जाने का भैया, वो तो गलत है। ये पूछ रहे गलत है कि नहीं, वो तो गलत है, गलत है ना। तक बात रहा, डीलर रिसीव भी नहीं देता, डीलर रिसीव नहीं देता, रिसीव नहीं देता डीलर। आपका भी आना जाता घर से? जी हाँ। वजन बोरा का सब सेम है, नाप को देख लीजिए आप। अरे वो ठीक है, लेकिन मेंटेन तो होना चाहिए ना, जो नियम है होता है होता है। कहाँ मेंटेन हो रहा है, कहाँ मेंटेन हो रहा है, कहाँ मेंटेन हो रहा है? कौन है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ जो अनाज लोड हो रहा है बिना नापाई किए हो रहा है, नाप के हो रहा है भैया, नाप के ले जा रहे हैं आप? नपा हुआ है, नपा हुआ है। अभी अभी तो हम देखे एको को नाप के नहीं जा रहा है सर, नाप दे दे हैं, कटा चालू है, नाप के दे रहे हैं? हाँ, कटा पे नापे थे। कहाँ कहाँ लिखे हैं, वजन कहाँ लिख रहे हैं आप, वजन कहाँ लिख रहे हैं? वजन वजन कहाँ लिख रहे हैं, वजन कहाँ लिख रहे हैं नाप के? वजन वजन नाप नहीं रहे, कटा वजन कहाँ लिख रहे हैं, वजन कहाँ लिख रहे हैं? लिख नहीं रहे, देखिए देखिए नाप रहे हैं लेकिन ये लोग लिख नहीं रहे। सुनिए, नाप रहे तो वजन कहाँ लिख रहे हैं आप? लिख नहीं रहे, बोरी गिनती जा रहा। देखिए नहीं लिख रहे हैं, साफ साफ है कि नहीं लिख रहे हैं, ये बस फॉर्मेलिटी के लिए रखा हुआ है, फॉर्मेलिटी के लिए रखा हुआ। बाकी आइए ऑफिस में बात करते हैं, यहाँ से साफ साफ प्रूफ हो गया कि यहाँ पे नपाई नहीं हो रहा। अगर नपाई होता तो यहाँ पे लिखा जाता कि कितना कितना नाप उठ रहा है। कहाँ गए भैया, कौन था यहाँ अंदर, दिखा दो एक बार। आप है भैया, ये बताइए अगर कांटा पे नपाई हो रहा है, अगर कांटा पे नपाई हो रहा है तो लिखना चाहिए ना, लिखा कहाँ रहा है ना? वजन बोरा का सब सेम है, नाप को देख लीजिए आप। अरे वो ठीक है लेकिन मेंटेन तो होना चाहिए ना, जो नियम है होता है होता है। कहाँ मेंटेन हो रहा है, कहाँ मेंटेन हो रहा है, कहाँ मेंटेन हो रहा है? अरे भैया आप चुप रहिए ना, कांटा पे एक सेकेंड, आप नाप रहे हैं, आप चुप रहिए ना, आप नाप रहे लेकिन लिखना चाहिए ना। ये देखिए ये लिखे कहाँ लिखे, वजन देखें आप बोरा का, हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला करने से पता चल जाएगा। आप यहाँ पे क्या ट्रांसपोर्ट मैनेजर हैं? अच्छा भैया ये बताइए, सीधा सवाल है, जो मजदूर हल्ला कर रहा है, देखिए मजदूर जो नाप रहा है, जो लेबर है, तो नाप के लिखना चाहिए ना, लिखा कहाँ रहा है? बोरा का वजन मतलब बराबर नाप के देख लीजिए ना आप बोरा। अरे वो ठीक है लेकिन आपको तो जो नियम के तहत है कि आपको नाप करके उसको लिख करके पूरा रजिस्टर मेंटेन करना है, तो मेंटेन कहाँ कर रहे हैं आप? होता है अभी नहीं, मतलब उसको अभी नहीं हो रहा है, मतलब अभी नहीं हो रहा है लेकिन होता है, सब होता है जी। हाँ देखिए वहाँ तराजू लगा हुआ, देखिए तराजू लगा हुआ लेकिन रजिस्टर पे कहाँ लिख रहा है पर बोरा कितना हो रहा है? बोरा कहीं लिखा, चढ़ा रहा हूँ, बोरा काउंटिंग हो गया, कितना बोरा जाएगा देख लीजिए आपको। भैया ये बताइए, तो ये बताइए तराजू पे नापने का फायदा क्या हुआ, जब बोरा काउंटिंग करना है तो बोरा नाप के दे रहा है जी, तो नाप के लिख कह रहा है कितना वजन उतर लिखे का है, मतलब बिना लिखे हो जा रहा है। 51 किलो का बोरा है तो सब। अच्छा अच्छा, एजीएम साहब अभी आएंगे ना तो हमको मिलवाइए अभी, बाकी यहाँ का देख लीजिए, सारे सारे ब्लॉक का यही 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 नियम है, यही नियम है, जितना भी प्रखंड है सब जगह देख रहे हैं बिना नपाई हुए जा रहा है, इसमें सीधा लोड कर दिया। देखिए भैया आप लोग सुनिए, सुनिए सुनिए, कैसे मान जाएंगे? एक मिनट पहले मेरा आवाज सुनिए, आप लोग गरीब है, कमाते खाते हैं, सच्चा बोलेंगे, सुनिए ना, कमाते खाते हैं ठीक है, लेकिन जो नियम है कि बोरा को नाप करके उसको लिखा जाता है कितना वजन है, झूठ काहे बोल रहे हैं? मेरा सवाल मेरा क्या सुनिए, हम जब गोबर पूर जाता है उसको उठा के फेंक देते हैं, नहीं पूरता है उसको धार देते हैं नीचे में, क्या होता है? मेरा सवाल इतने भैया, देखिए आपसे मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, सुनिए, जो बोरा आपसे मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मन, सवाल इतना, सुनिए ना, सवाल इतना है कि नाप के लिखना चीज नहीं हो रहा है, वही हम लोग छोड़ देता है। हाँ जो वजन पुटा उसको गैस लगता है, लिखना चाहिए ना, लिखना चाहिए ना, मजबूत है कि नहीं, कटा चालू है कि नहीं, एका को बोलिए ना महाराज, एका को बोलिए ना, एका को बोलिए, एका को बोलिए, जैसे कि 50 किलो की वजन है वो बोरी दे देते जो कि 40 किलो 42 किलो होता है। आपका हल्ला नहीं कीजिए, आपका नौकरी नहीं जा रहा, आपका नौकरी नहीं जा रहा, हल्ला नहीं कीजिए भैया, लिखने वाला का एजीएम साहब भैया कब आएंगे? अभी खाना खाने के, खाना खाने के लिए अभी यही थे वो। हाँ देख लीजिए ये हमारे साथ, आपका नाम क्या हुआ भैया? अंकित। अच्छा
अंकित नाम है, ये ट्रांसपोर्ट मैनेजर है। अभी हम सनोला प्रखंड के यहाँ जो अनाज का जो गोदाम है, यहाँ गोदाम में थे और यहाँ से दिखा रहे थे, यहाँ पे मापा जा रहा था लेकिन मापने का जो डाटा लिखा जाएगा डाटा लिखा नहीं जा रहा था। सुनिए, जैसे 51 किलो का बोरी है, समझे, बात समझिएगा, उसको नापे दे दिए, जो मतलब 51 नहीं पूरा उसमें भर के 51 पूरा कर देते हैं। तो भैया मेंटेन तो करना था ना यहाँ पे, कितना बोरा जा रहा है, क्या जा रहा है, मेंटेन तो हो ही रहा है जी। कहाँ ये लोग बिलेवर बोल रहे हैं, नहीं कर रहे हैं भैया, बात को घुमाना, बात नहीं घुमा रहे हैं। इस वजह से हम एवरेज निकाल दिए, इतना बोरा जाएगा, समझे, उसको नाप दिए 51 किलो, विश्वास नहीं है गाड़ी में देख लीजिए 51 किलो का बोरा। अरे आप पे भैया पूरा भरोसा है लेकिन आपका यहाँ बोल रहा है कि मेंटेन नहीं हो रहा है, मेंटेन कैसे करें, इसको बता दिए कितना बोरा जाएगा गाड़ी में। ठीक है, बाकी हम एजीएम साहब से बात करेंगे, क्योंकि देखिए आम पब्लिक का शिकायत ये है कि अनाज जो है पर यूनिट 1 kg कम मिलता है और पर यूनिट 5 रुपया ज्यादा लिया जाता है। ठीक है, डीलर जानेगा, हमने वो ठीक है डीलर जानेगा, लेकिन सवाल तो यहाँ से ना खड़ा होता है। जहाँ तक बात रहा डीलर रिसीव भी नहीं देता है, जहाँ तक बात रहा डीलर रिसीव भी नहीं देता है, डीलर रिसीव नहीं देता है, रिसीव नहीं देता डीलर। आपका भी अनाज आता है घर से? जी हाँ, मतलब आप आम पब्लिक है, सोनवा प्रखंड के? सोनवा प्रखंड के ही है, महेशपुर पंचायत मेरा घर हुआ। ठीक है, और डीलर जो है सही से लिखित रूप में कुछ एविडेंस भी नहीं देते हैं, कोई रिसीविंग वगैरह। कहने का मतलब कि आप जो पेमेंट करते हैं, आपके घर में कितना यूनिट का अनाज आता है, कितना कितना लोग है घर में? घर में 3 लोग हैं। 3 लोग यानी 3 यूनिट आता है, तो 3 यूनिट का जो बिल होता है वो बिल नहीं मिल रहा आपको? नहीं मिल रहा है, देख लीजिए भैया यही कंप्लेन था इसलिए आए थे। सुनिए, नहीं आपसे कोई शिकायत नहीं, आपसे कोई शिकायत नहीं, ये हम एजीएम साहब से पूछेंगे आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या भैया आप लोग शांत करें, इन लोग को थोड़ी हम बोल रहे हैं। सुनिए भैया आप लोग काम कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आप काम कीजिए, आप लोग से थोड़ी बात कर रहे हैं। सुनिए ना आप लोग काम कीजिए, आप लोग से कोई दिक्कत नहीं, हमको एजीएम साहब से मतलब था। ठीक है, इसलिए आए थे। देखिए डीलर के खिलाफ बहुत ज्यादा शिकायत ये भी होता है कि हमको एजीएम साहब यहाँ पे बोरा पे 50 रुपए लेते हैं, मतलब क्विंटल पे। ठीक है, तो हम लोग भी क्या करें, अनाज हमको कम दिया जाता है तो हम क्या करें, 50 रुपए हम क्विंटल आज तक लेवे नहीं किए तो कहाँ से ले लेंगे। देखिए शिकायत होता है, हम ये नहीं बोले कि आप ले रहे हैं, शिकायत होता है, कुछ भी होता है, सब छोड़िए। तो इसमें आम पब्लिक का जो है कि उसको 5 रुपए ज्यादा लिया जाता है, और वजन ये बताइए, आप ही बताइए गलत है कि नहीं है, अगर लिया जाता होगा तो गलत है कि नहीं? वो तो डीलर जानेगा भैया, वो तो गलत है, ये पूछ रहे गलत है कि नहीं, वो तो गलत है, गलत है ना। अभी हमारे साथ सनोला प्रखंड के एजीएम साहब है, अभी हम अनाज गोदाम में आए हुए हैं, यहाँ पे आम पब्लिक का क्या क्या समस्या होता है, एमओ पे क्या क्या सवाल उठता है और डीलर पे, वो अभी इनसे हम बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे जो अनाज जो माप कर जाता है बोरा में, तो कई बार ऐसा यहाँ पे शिकायत आता है कि बिना मापे लोड कर दिया जाता है? ना वैसा नहीं होता, तराजू लगा है सामने, तराजू लगा है, लेकिन सर अभी शिकायत ये, अभी शिकायत अभी ये है कि मापने के बाद सर एंट्री कहाँ करवाया था, एंट्री तो हमको दिखा नहीं सर। एंट्री इसमें नापने के बाद ये मीटर लगा है ना, मीटर में दिखाई दे रहा है इतना हुआ, वो नोट करते हैं, नोट कहाँ, वही तो नोट नहीं हो रहा था हमारा, वो है ना नोट करने वाला DSD का जो है वो नोट करता कॉपी में। हम लोग अभी जब अचानक आए तो यहाँ पे दिखा कि नोट नहीं हो रहा था। नहीं नोट होता है, आपका जो यहाँ वर्कर काम कर रहा है वो खुद बोला कि हम नोट नहीं कर रहे हैं, इस पे क्या बोलेंगे सर आप? नहीं नोट होता है, अब हमारा ऑन कैमरा है सर, नोट नहीं हो रहा था। नहीं ऑनलाइन चलान है ये हमारा, जितना निकल गया इतना हमको उतना देना है, उतना कागज में नोट कर लेते हैं, हम कॉपी में लिखे हैं, सब कॉपी है ना हमारा। यहाँ जो वजन हो रहा है धरातल पे पर बोरा, वो लिखा वो कहीं लिखा नहीं जा रहा था, वो तो रफली नोट है ना, कहीं सर लिखा ही नहीं जा रहा था, रफली भी नहीं लिखा जा रहा है। नहीं नहीं नोट करते हैं, आपका अभी यहाँ पे लेबर अभी बयान दिया है कि हम नोट नहीं करते, हमको बस नापने बोला गया है, लोड करने बोला गया, सीधा लोड करते हैं। देखिए थोड़ा 2-4 बोरा रहता है, अरे ये लिखता नहीं, ये लिखता DSD का हमारा, इनसे बात करें। चलिए आपका गलती नहीं है, लेबर लिखेगा कि नापेगा, अपना भी है कोई दिक्कत नहीं है, लेबर नापेगा सर, लिखेगा लिखेगा कौन सर? DSD का जो वो हमसे लेता है, ये पूरा DSD का है, इनको देते हैं, ये घर तक पहुँचवाता है। अच्छा सर, अच्छा सर, और आरोप लगता है सर कि 1 यूनिट पर 5 रुपए ज्यादा लिया जाता है, ठीक है, और 1 यूनिट पे 1 kg अनाज कम दिया जाता है, वो तो डीलर का, वो हम डीलर को माल देते हैं जो भी। हमारा यही कहना है कि आपके तरफ से माल यहाँ से परिपूर्ण जाता है? हाँ पूरा जाता है हमारा, कोई शिकायत नहीं सर। तो मतलब इसमें एमओ साहब का फॉल्ट है या फिर डीलर का फॉल्ट है, दो ही लोगों का फॉल्ट है आपका, अगर आपका अगर नीट एंड क्लीन है वो उधर का हमको क्या पता, हम तो डीलर को जो माल देते हैं वो आगे तो डीलर वो लाभुक को देता है ना, लाभुक और डीलर में हम बीच में नहीं है ना। और कई डीलर वगैरह शिकायत करता है कि हमसे 50 रुपया पर क्विंटल पे लिया जाता है, इसलिए हम मतलब कम देते हैं। डीलर अगर ये कोई प्रूफ कर दे जो 50 रुपया या 10 रुपया हम लेते हैं। नहीं आप नहीं लेते हैं, एमओ लेता है, तो एमओ लेता तो ये सब बीच में हमको किस लिए ला रहे हैं? आपको इसलिए ला रहे हैं क्योंकि एमओ को माल आप दे रहे हैं, इसलिए आपको ला रहे हैं। एमओ को माल नहीं देते,
कहीं मिली भगत में आप भी होंगे इसलिए। अरे नहीं ये सब अच्छा समझे, साफ सुथरा कर रहे तो बहुत अच्छा बात है। एमओ और डीलर का जो कनेक्ट, हमारा डीलर को माल दे देना उसके घर तक, डीएसडी पहुंचा देता हमारा माल जो हम देते हैं डीएसडी को, बस हमारा इतना ही काम है। बस देखिए यहाँ पे दिक्कत हमको एक ही चीज का लगा कि सीधा बोरा नाप के रख दिया जा रहा, कहीं डाटा लिखा नहीं जा रहा था, यही दिक्कत ना। वैसे कैसे, वो तो ज्यादा चला जाएगा कम चला जाएगा, उसको नोट करते हैं इतना क्विंटल देना, नोट नहीं हो रहा था, वही सवाल अपनी डायरी में करता उसको, उसको ऐसा कुछ नहीं ना। देखिए हमारा ऑन कैमरा था, उस समय नोट नहीं हो रहा था, हम लोग बिना नोट में पकड़े हैं और यहाँ पे हमें गवाही भी मिला था नोट नहीं हो रहा। वैसे कैसे देंगे, वो तो ज्यादा चला जाएगा या कम चला जाएगा, 20 क्विंटल हमको देना है तो 20 क्विंटल ही तोलेंगे ना हम। तो वही तो तोल रहे हैं लेकिन लिख कहाँ रहे हैं, पता कैसे चलेगा, सब लिखते हैं, वैसे कैसे देंगे, वो तो कम बेसी हो जाएगा। देख लीजिए बाकी आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो में आपको समझ में आएगा कि लिखा जा रहा था या लिखा नहीं जा रहा था, बाकी आप कमेंट करके बताइएगा। ये सोनोला प्रखंड से हमारे साथ एजीएम साहब थे, बाकी सिल्क टीम को देखने के लिए।